नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। फिर हुई पत्रकारिता को कलंकित करने वाले पत्रकारों की शिकायत। पत्रकारिता की दुकान चला रहे पत्रकार रामकिशोर पवार और उसका पुत्र मोहित पवार से प्रताड़ित जिला पंचायत सदस्य पहुंची एसपी निश्चल एन झारिया के पास की समाज में छवि धूमिल किए जाने एवं अड़ीबाजी करने की शिकायत की। दोषियों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पत्रकारिता की दुकान चला रहे तथाकथित अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार पिता रामकिशोर पनवार पुत्र मोहित पनवार के ब्लैकमेलिंग के काले कारोबार पर की शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास नंगे पैर पैदल यात्रा। दलित पत्रकार राहुल नागले का मामला अभी ठंडा पड़ा नहीं हुआ था कि एक बार फिर पिता पुत्र की ब्लैकमेलिंग का शिकार महिला जनप्रतिनिधि आई सामने। मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगाए गए लांछन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसपी ऑफिस अपने भाभी के साथ शिकायत करने आए जिला पंचायत सदस्य के देवर ने बताया कि मुलताई के संदीप गुजरे दलित समाज की आड़ लेकर झूठे आरोप एसटीएससी एक्ट की धाराओं में फंसाकर उसका लाभ उठाने वाले फर्जी वेंडर के साथ मिलकर रामकिशोर पनवार और उसके पुत्र मोहित पनवार ने उनके खिलाफ कोई खबर नहीं छापने के एवज में 20,000 रुपये की मांग दूसरे के माध्यम से कराई है, जिसके बाद बेबुनियाद खबरें प्रकाशित कर उन्हें सामाजिक रूप से बदनाम किया गया। उन्हें जन सरोकारों के कार्यों को करने से भी परहेज करना पड़ रहा है, जिससे आहत होकर उन्होंने एसपी से ब्लैकमेलर पत्रकारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं उर्मिला गभाड़े जिला पंचायत सदस्य और रमेश गभाड़े पीड़ित ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। मैं रमेश गभाड़े हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। और ये जो खबर छपी क्या ये मेरी भाभी जिला पंचायत सदस्य है, एक संदीप गुजरे करके है जो पोकलेन मशीन का संचालक है, पोकलेन मशीन चलाता है, चलाएगा 20 घंटे और रेटिंग लगाता है 40 घंटे की। इसने आरएस विभाग द्वारा बनाए जा रहे रजापुर पंचायत दूटर में अमृत सरोवर में अपनी पोकलेन मशीन चलाई थी। वो आरएस विभाग एजेंसी रहता उसमें और आरएस विभाग के इंजीनियर के कहने पर चलाई थी। हमारा काम वहाँ पे मटेरियल सप्लाई का था, जो मिट्टी मुरुम गिट्टी इसके हमने टेंडर डाले थे कि उस हमारे जो रेट स्वीकृत हुए थे उस रेट में हमको मटेरियल सप्लाई करना था। इसकी मशीन जो है आर्य विभाग के इंजीनियर्स ने चलाई और वो इसके मशीन का हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं था कि न हमारे कोटेशन में था, लेकिन ये हमसे पैसे मांग रहा है। इसको 7,80,000 दे चुके हैं, जितने घंटे उसकी मशीन चली उससे अधिक पैसे देती है, लेकिन वो ब्लैकमेल करता है और भाभी का नाम लेके भाभी को बदनाम कर रहा है। हमारे पट्टन ब्लॉक में हमारे क्षेत्र में हमारी एक अच्छी प्रतिष्ठा है, भाभी की प्रतिष्ठा है। हमारी भाभी 3 बार जनपद सदस्य रही और इस बार जिला पंचायत सदस्य बनी है और क्षेत्र में घूमती है, तो ये हमें बदनाम करने के लिए कभी भाभी के साथ मेरा नाम पति डालता है पेपर में, कभी देवर डालता है। एक्चुअल में पूरे क्षेत्र वालों को मालूम है कि मैं भाभी का देवर हूँ, ये भाभी है हमारी, हम दोनों सुरेंद्र गवाड़े और रमेश गवाड़े देवर है और हमारे बड़े भैया लक्ष्मण गवाड़े जो खेती का काम देखते हैं और राजनीति में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो आज एसपी साहब से यही गुजारिश की कि जो संदीप गुजरे हैं जो काले रंग की स्कॉर्पियो पे हुटर लगा के और सामने नेम प्लेट पे सचिव मानवाधिकार आयोग लिख के घूमता है और धोध जमाता है, कहता है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई क्योंकि मैं मानवाधिकार आयोग का सचिव हूँ। तो हमने एसपी साहब से यही की कि एक महिला जनप्रतिनिधि को बदनाम करने वाले के खिलाफ, और जो पेपर वाला रामकिशोर पवार जी है इनका व्यवसाय यही है कि ब्लैकमेल करो, गलत न्यूज छापो, फिर जिसके खिलाफ छापते हैं वो उनसे संपर्क करते हैं, उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। मेरे खिलाफ ये जो हमारे खिलाफ पेपर में छपा तो हमारे पास भी खबर भिजवाई थी कि वो रमेश गवाड़ से बोलना कि 20,000 रुपये दो आगे नहीं छापेंगे। हमने बोला हम गलत नहीं है, आप एक बार नहीं 50 बार छापो, हमारी फोटो नहीं, एक की फोटो नहीं पूरे परिवार की फोटो छापो। एसपी साहब से यही गुजारिश की क्योंकि हमारी भाभी है, जब से ये पेपर में हमने फोटो देखा ये फेसबुक व्हाट्सएप पे चलता है, डिप्रेशन में है, एक इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ये क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में जाना पसंद नहीं करती है और हमारे बड़े भैया भी कहते हैं कि इससे हमारे परिवार की बदनामी हो रही है, हमको ये राजनीति नहीं करना है। तो हमने एसपी साहब से यही निवेदन किया कि ऐसे जो पत्रकार है जो पत्रकारों के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और जो छपवा रहा ब्लैकमेल कर रहा है। क्या नाम है आपका? मैं उर्मिला गवाड़ी जिला पंचायत सदस्य। क्या शिकायत लेकर आए थे? ये सिटी 123
जो न्यूज चलती है, न्यूज छपवाते हैं उस उनके खिलाफ, और जो न्यूज छपवा रहा है उनके खिलाफ मैं आवेदन देने आई थी एसपी कार्यालय, क्योंकि मेरे बारे में गलत गलत इसमें दे रहे हैं, पेपर में न्यूज छपवा रहे हैं। एक मैं महिला जनप्रतिनिधि हूँ और एक सक्रिय से मैं अपने क्षेत्र में रहती हूँ, और मुझे मेरे देवर के साथ में मेरा नाम छपवा रहे हैं पति, तो ये तो गलत बात है ना। मेरे देवर है और पति नाम छपवा रहे हैं, इससे मेरी मानहानि हो रही है, और मैं अपने क्षेत्र में घूम नहीं सकती हूँ, कोई गलत संदेह नज़र से मुझे देखते हैं, ऐसी मेरी मानहानि हुई है। और जो भी इस पेपर के संचालक है एवं जो न्यूज दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है उनके पेपर? रामकिशोर पवार, उसके लड़के का नाम है मोहित पवार, ये दोनों बाप में बेटे मिलके गलत न्यूज छपवा रहे हैं, और पेपर में देने वाले संदीप गुजरे के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपनी गाड़ी में हुटर लगा के सचिव, मानव अधिकार के सचिव लिख के गाड़ी में घूम रहे हैं और क्षेत्र में बहुत जमा कर ब्लैकमेल का काम करते हैं। एस सी एस टी एक लगा दूंगा।